इसकी स्पॉट है जहां पर इसका सेल डलना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ग्लास बर्नर के बारे में बताया था, उसका रिव्यू दिया था आपको कि उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होती है ग्लास बर्नर के अंदर, और उसके अंदर हमारे पास कौन सी क्वालिटी मौजूद है। उसके बारे में काफी डिटेल वीडियो है जो मेरी प्रीवियस वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक भी करें वीडियो को अगर आपको मैं या मेरी वीडियो से कोई भी चीज पसंद आ रही है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो पिछली वीडियो में जैसे आपको बता चुका हूँ कि हमने ग्लास बर्नर के बारे में डिटेल में जाना था, तो आज हम स्टील बर्नर के बारे में जानेंगे कि जो स्टेनलेस स्टील बर्नर होता है उसकी क्वालिटी क्या होती है और हमारे पास कौन सी मौजूद है और इसके कौन से हमें बेनिफिट्स होते हैं इसको लेने के बाद। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये मेरे पास सामने बॉक्स पड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं इस बॉक्स को, तो हम इसके अनबॉक्सिंग करते हैं, तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये मेरे पास बर्नर है स्टील का, ये आपके सामने है, फुल पैक में है। तो इसको मैं प्रॉपर निकाल के आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो वो चलते हैं। तो ये है हमारे पास स्टील का बर्नर, इसकी फिनिशिंग देखें तो वो काफी फाइन फिनिशिंग में है। इसके ऊपर एक पेपर चढ़ा हुआ है, मतलब नीचे से शाइन है। जैसे मैंने थोड़ा सा रिमूव किया है, भाई आपको दिखाएंगे कि थोड़ा सा मैंने इसको रिमूव किया है तो काफी शाइन है नीचे से, और ये डिजाइन भी काफी अच्छा है और काफी खूबसूरत है, मतलब ओवर नहीं है डिजाइन, काफी डिसेंट डिजाइन में है। और अगर हम इसकी बात करें इसकी जालियों की, तो ये भी काफी स्ट्रोंग है, मतलब डोमेस्टिक लेवल पे यूज होने के लिए बेस्ट है ये। और इसका मटेरियल जो है ये देगी मटेरियल में होती है। जो मेरे पास स्टील का बर्नर है ये ऑटो इग्निशन है और स्टेनलेस स्टील के अंदर इसकी बॉडी है और भारी गेज में लगा हुआ है और ऑटो इग्निशन है इसके अंदर भी। जैसे मैंने आपको बताया था जो हमारे पास ग्लास बर्नर भी है उसके अंदर भी हमारा सेल डलते हैं और इसके अंदर भी सेल डलता है। इसको नीचे स्पॉट दी गई है सेल की, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी स्पॉट है जहां पर इसका सेल डलना है, और ये अगर हम इसको उठा के देखें तो ये इसका इंटीरियर है। जैसे भाई दिखाएंगे अंदर से शो पे भी ये रिमूवेबल है, ये भी रिमूवेबल है, तो आप देख सकते हैं। और जो सबसे इसकी अच्छी बात है, इसका भी जो फ्लेम है वो बेसिकली ब्लू फ्लेम है, रेड फ्लेम नहीं है। रेड फ्लेम काफी ज्यादा जो है मसाइल होते हैं उसकी, रेड फ्लेम के कि वो बर्तनों को काला कर देता है और जब धोते वक्त बहुत मसाइल आते हैं। तो काफी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि हम कौन सा लें, स्टील का लें कि या ग्लास बर्नर लें। तो इसकी काफी डिटेल वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा और इसके जो बेनिफिट्स हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों के, स्टेनलेस स्टील के और ग्लास बर्नर के दोनों के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर किसी को भी ये बर्नर चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा और मेरा व्हाट्सएप भी मौजूद है, किसी को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो मैं अवेलेबल हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास किचन एसेसरीज भी सारी होती हैं और वुडन का सामान भी सारा होता है, हम वॉल पैनलिंग भी करते हैं और पीवीसी फ्लोरिंग है जिसे हम, एक वुडन फ्लोर होता है और एक पीवीसी हम जो कर रहे हैं वो पीवीसी फ्लोरिंग कर रहे हैं। उसके अलावा ग्लास और एल्यूमिनियम का आपको कोई भी काम करवाना हो तो मैं अवेलेबल हूँ। अगर कोई इन्फॉर्मेशन भी लेनी हो तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप का नंबर मेरा मौजूद है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपर इसके बारे में बताऊंगा कि ग्लास बर्नर लेना चाहिए आपको या स्टेनलेस स्टील का बर्नर लेना चाहिए, वो प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।